नहीं, पिछले बार आप लोग आए थे जी, पिछले बार मैं आप लोग से बातचीत किया था जी, आप लोग बोले कि भैया जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिलेगी या तो सरकार हमें नियुक्ति दे या तो हमें इच्छा मृत्यु दे। आप नेताजी के घर गए, बातचीत हुई, आश्वासन मिला, चले गए। 15 दिनों का आश्वासन मिला था, वो कंप्लीट हो गया। हमारी आप एक कहानी पूछोगे, यहाँ पर 400-1400 कहानी मिलेंगी आपको अलग अलग। आप क्यों मुंडन हुए जी? दुख यही है कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसी दुख के कारण हम लोग मुंडन हो गए हैं। क्या होगा, हम लोग अपनी रिजल्ट और मांग कर लेकर बैठे हैं जी सर। कितना टाइम से बैठे हो? 10 बजे से। कोर्ट का आदेश भी था कि 90 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करे एवं उनकी नियुक्ति दे। लेना तो चाहिए सर, रिजल्ट के लिए तो आए हैं, रिजल्ट के लिए तो सब चीज़ कर रहे हैं, तो देना तो चाहिए उनको, देख तो रहे हैं वो भी सारा चीज़। 6-7 से 8 बार हम HM सर से मिल चुके हैं। ये भर्ती 2018 का भर्ती है, इस बीच हमने 3 कार्यकाल देख लिए, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल, भूपेश बघेल जी का कार्यकाल, अभी साई जी का कार्यकाल का 9 महीने कंप्लीट हो चुका है। या तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट लेके जाएंगे या फिर हम लोग इच्छा मृत्यु देते हैं, हम लोग सारे के सारे अभ्यर्थी। अब ऐसा ही तो लग रहा है, अब देना चाहिए, अब बहुत हो गया भटकते भटकते सभी जगह, तो भटक के अब यहाँ पे आके बैठे हैं। ये आपको सड़क दिख रही होगी, ये राजधानी रायपुर के सिविल लाइन इलाके की सड़क है, ये सीधे मुख्यमंत्री निवास, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं और जो डिप्टी, 2 डिप्टी CM हैं उनके घर को जाती है। इस सड़क के सामने में अब बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बैरिकेडिंग दिखाइए तिलक आप, ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई है, अब मैं एक कहानी बताता हूँ। अब देखिए, इस बैरिकेडिंग के इस पर छत्तीसगढ़ के वो युवा हैं जो SI भर्ती की नियुक्ति के लिए पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तेज़ धूप है और तेज़ धूप में युवा बैठे हैं कि भैया हमारी रिजल्ट जो है जारी कर दीजिए। कहाँ से हो भाई आप? मैं बिलासपुर ज़िला। कितना टाइम से पहुँचे हो यहाँ? 10 बजे। 10 बजे से आ गए, क्या होगा अब? क्या होगा, हम लोग अपनी रिजल्ट और मांग कर लेकर बैठे हैं जी सर। कितना टाइम से बैठे हो? 10 बजे से। 10 बजे से यहीं बैठे हो जी? इतना तेज़ धूप नहीं लग रहा आप लोग को? रिजल्ट तक आगे धूप तो कम है सर। 6 सालों से तो ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा और संघर्ष कर लेते हैं जी। अरे यार, मतलब ऐसा एक पक्ष कहता है कि छत्तीसगढ़ में SI भर्ती जो है रद्द करो, दूसरा पक्ष आप हैं जो कहते हैं SI भर्ती जारी करो। सरकार भी असमंजस में आ गई कि हम करें तो करें क्या? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं है, कोर्ट में जितने भी मामले थे सब खारिज हो चुके हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, और कोर्ट का आदेश भी था कि 90 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करे एवं उनकी नियुक्ति दे। 9 सितंबर को 90 दिन पूरा हो चुका है, उसके बाद भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। देखिए इधर भी देख लीजिए, बैरिकेडिंग के किनारे में बैठे हैं, तेज़ धूप है, धूप ज़्यादा नहीं लग रहा आप लोगों को? लग रहा है सर, बहुत धूप है। धूप तो बहुत है। कब से मेहनत कर रहा है पुलिस बनने के लिए? सर 2021 में हमने फॉर्म भरा था, ये रिजल्ट इंटरव्यू हुए 1 साल हो गया है अभी। जी सर, ये बताओ आप लोग इतनी अनशन कर रहे हो, इतने सारे अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हो, कभी कोई सर मुड़वा लेता है तो कभी कहीं झाड़ू लगा ले रहे हो, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, सरकार इन सब चीज़ों को देख रही है, सुन रही है, मीडिया में भी चल रहा है, सरकार इसके बाद कोई निर्णय लेगी ठोस, आप लोग को लगता है? लेना तो चाहिए सर, रिजल्ट के लिए तो आए हैं, रिजल्ट के लिए तो सब चीज़ कर रहे हैं, तो देना तो चाहिए उनको, देख तो रहे हैं वो भी सारा चीज़। नहीं, मन में तो लगता होगा ना कि हाँ हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए सरकार तक, सरकार हमारी सुन रही होगी, ऐसा मन में थोड़ा बहुत लगता है बात? सर जी सर, बिल्कुल सर, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं सर, रिजल्ट ही तो चाहिए, रिजल्ट के लिए तो सारा चीज़ हम लोग कर ही रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे एक दो युवा नहीं हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे युवा हैं और सभी की एक ही मांग है कि भैया हमारी SI की जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जारी कर दीजिए। सभी युवा अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। भैया कब तक रिजल्ट जारी होगा? सर यही जानने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत की ऐसी पहली भर्ती हो गई है जो 6 साल हो गई है। 2018 में जब ये भर्ती आई थी तब से लेके आज तक 2024 तक ये 6 साल हो गए हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई है। विगत महीनों में 6-7 से 8 बार हम HM सर से मिल चुके हैं। HM यानी होम मिनिस्टर सर से मिल चुके हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि 10 से 15 दिनों में आपकी रिजल्ट जारी हो जाएगी। आज 15 दिन पूरी हो चुके हैं, आज 16वां दिन है, तो हम चाहते हैं, हम इसीलिए आए हैं कि आज 16वां दिन भी हो चुका है और रिजल्ट जारी नहीं हुआ है।
तो रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो सर से हम ये जानना चाहते हैं कि या तो हमारा रिजल्ट दे या तो हमें इच्छा मृत्यु दे, दोनों में से एक चीज कर दें। ठीक है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं युवा। इधर सबके हाथों में अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। क्या मांगे एसआई अभ्यर्थी? अपनी वर्दी अपनी नौकरी। भाई साहब हैं, उस भाई साहब से ही बातचीत कर लेते हैं। भाई कितना टाइम हो गया आप लोग को यहाँ पे बैठे हुए? जी भैया, हम लोग सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी हैं और सुबह 11 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने से यहाँ पे आके बैठे हैं, सारे सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी। आपको बताना चाहूँगा, ये भर्ती 2018 का भर्ती है। इस बीच हमने तीन कार्यकाल देख लिए, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल, भूपेश बघेल जी का कार्यकाल, अभी साई जी का कार्यकाल का 9 महीने कम्प्लीट हो चुका है। इस बीच हमारे सारे भर्ती प्रक्रिया जो 5 चरण होता है, नापजोक, प्री, मेंस, फिजिकल इंटरव्यू, सारा चीज़ खत्म हो गया। पिछले साल के 8 सितंबर को हम लोग का इंटरव्यू खत्म हो चुका है, अब तक रिजल्ट नहीं आया है। इस बीच हाई कोर्ट में भी चला गया, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सारे चीज़ हम लोग जीत गए। हमारे पास हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब चीज़ है। उसके बाद भी अभी तक हाई कोर्ट के आदेश का भी जो 90 दिन का बोला गया था उसको पालन नहीं किया गया, अवहेलना कर दिया गया। फिर हम लोग गृह मंत्री जी के पास 8 से 10 बार मिल चुके हैं। लास्ट टाइम हम लोग 4 सितंबर को मिले थे, और 4 सितंबर को मिले थे, और 4 सितंबर को माननीय गृह मंत्री जी का यही बयान था, अंतिम बयान, कि 10 से 15 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और आज 15 दिन कंप्लीट होकर 16वां दिन हो गया। इसके बाद भी आश्वासन पे आश्वासन देके लोग हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग अब नहीं सहेंगे। और हम लोग का यही आखिरी मांग है कि अब तो रिजल्ट दो या फिर हम लोग को इच्छा मृत्यु दो, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। या तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट लेके जाएंगे या फिर हम लोग इच्छा मृत्यु देते हैं। हम लोग सारे के सारे अभ्यर्थी और हमारे पेरेंट्स बैठे हुए, हम लोग यहाँ पे मरना पसंद करेंगे लेकिन अब घर जाना पसंद नहीं करेंगे। एक बार आप लोग कुछ दिन पहले और आए थे, आगे बैठे हुए थे, यहाँ पे नहीं बैठे हुए थे, तब मैं आप लोगों से बातचीत किया था। उस दिन भी आप लोग की यही मांग थी, या तो भैया नौकरी दीजिए या तो इच्छा मृत्यु दीजिए। सरकार ने, अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया, आप शांति से घर चले गए। यदि इस बार आश्वासन मिलता है, इस बार फिर आश्वासन हाथ लगता है, फिर नेता आते हैं, फिर होम मिनिस्टर या गृह मंत्री आपसे मिलते हैं, कहते हैं भैया 5 दिन का समय दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे फिर आप जी? बिल्कुल, अब हम लोग पहली बार माननीय गृह मंत्री जी के मुंह से ये सुने थे कि 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो हमने बिल्कुल भरोसा किया। सारे अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ से आए थे, सबने भरोसा किया, और अब वो भरोसा टूट चुका है। 10 से 15 दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यदि वो बोलेंगे भी 3 दिन में 5 दिन में आने करके, तो हम लोग 5 दिन यही रुकेंगे, लेकिन रिजल्ट अपलोड होगा, हम लोग यही से हमारा पीडीएफ में नाम देखेंगे, तब घर जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो सिविल लाइन की एक सड़क है जो मंत्रियों के घर जाती है, यहाँ तंबू डालने की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रिजल्ट लेके जाएंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, मार खाएंगे, पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो भी हम लोग सहेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहेंगे और रिजल्ट लेके जाएंगे, यही हमारी अंतिम निर्णय है। दीदी कहाँ से हैं आप? बिलासपुर से। बिलासपुर से क्या लग रहा है, अब गृह मंत्री जी आ जाएंगे, मिलेंगे और आप लोग को नियुक्ति दे देंगे? अब ऐसा ही तो लग रहा है, अब देना चाहिए, अब बहुत हो गया भटकते भटकते सभी जगह, तो भटक के अब यहाँ पे आके बैठे हैं। माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि अब हमारा रिजल्ट दे दे, अब बहुत थक गए हैं। भरोसा है, बहुत भरोसा है, क्योंकि पहले भी भरोसा था कि सर बोल देते थे कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार चलेंगे करके, तो अब कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है, तो लगता है अब नहीं। क्योंकि आप लोग 15 दिन पहले और बैठे थे इस जगह में, 15 दिन पहले नेताजी बोले कि 15 दिन बाद हम आप लोग को 15 दिनों में नियुक्ति कर देंगे, नहीं किए, फिर भी भरोसा है? अब क्या कर सकते हैं, भरोसा करना ही पड़ेगा। आप देंगे, आप देंगे, ये अच्छी बात है कि नेताजी आश्वासन दे रहे हैं, और आश्वासन पूरा होने के बाद भी अभ्यर्थियों को भरोसा है कि नेताजी हमारी नियुक्ति जारी कर देंगे, अच्छी बात है। फिर भी जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से ही बातचीत करेंगे। भैया धूप बहुत है यार। हाँ सर, बहुत ज़्यादा। मैं इधर आ जाता हूँ, बैठते बनेगा, अच्छे से बातचीत हो जाएगी। हाँ बताइए आप। वैसे मुंडन कार्यक्रम में मैंने सिर भी मुंडा ले, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है सर। ठीक है, देखिए मैं बता रहा था आपको कि ये एसआई अभ्यर्थी हैं, अलग अलग प्रकार से अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए कहीं तेलीबांधा तालाब में जाते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, कभी मुंडन हो जा रहे हैं, कोई आमरण अनशन पे भी बैठा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। भाई साहब हैं, मुंडन हुए थे जी, घर में कोई मरते हैं तभी मुंडन होते हैं जी, आप क्यों मुंडन हुए? जी दुख यही है कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, इसी दुख के कारण हम लोग मुंडन हो गए हैं। बचपन में जब कोई पूछता था आपको, स्कूल में जब पढ़ते थे आप, बड़ा होके क्या बनोगे, तो आप क्या कहते थे? जी एक वर्दी, वर्दी का हर किसी को शौक रहता है, 2-स्टार वर्दी लगेगा, और उसी वर्दी के आस में हम लगे हुए हैं, 6 साल हो गया, कब वो 2-स्टार मिलेगा, कब हम वर्दी पहनेंगे सर? और दूसरी बात, मैं HM सर का गृह मंत्री जी, वो एक जिम्मेदार पद पर हैं,
तो हमें एक भरोसा था, विश्वास है कि वो 10 से 15 दिन में मिले हैं ऐसा करके। तो मैं गृह मंत्री जी से भी बोलना चाहूँगा कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, तो आप जो स्टेटमेंट दिए उस पर तो आप कायम रहिए। ये अच्छी बात है यार कि नेताजी के पास आप लोग मिलने आते हो और सभी बैठ जाते हो घर के सामने, दफ्तर के सामने नेताजी घर में बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आश्वासन देते हैं, आप लोग मान के चले जाते हो और उसके बाद जब आश्वासन पूरा नहीं होता फिर भी आप लोग को नेताजी के ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि नेताजी एक ना एक दिन हमारा आश्वासन पूरा कर देंगे। जी बात वही है, वो गृह मंत्री एक पद पर है, देश के सरकार में वो एक पद है, तो एक उम्मीद रहता है कि हाँ आदमी पद पर बैठा हुआ है, जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी भी एक गरिमा होती है कि वो मानेंगे, उसके मीडिया के सामने बोल रहे हैं। धूप बहुत है जी सर, जलेगा। हाँ बताइए आप आगे। तो यही कह रहा था कि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं तो हर एक स्टेटमेंट में बहुत वैल्यू रखता है, तो हम उसी वैल्यू को मानते हुए हम लगा था कि 19 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। यदि नहीं आया, आज रिजल्ट नहीं आता है तो अब क्या करोगे, क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हो इस जगह में? सर हम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम यहीं पर डटे रहेंगे, ये हमारा लास्ट कमिटमेंट। क्या बात है जी, आप जब तक बैठे रहेंगे तब तक हम आपकी आवाज़ यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। धूप बहुत तेज है, सभी लोग चाह रहे हैं कि धूप कम लगे। भैया मैं समझ रहा हूँ यार, धूप बहुत तेज है, लगाए रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये बताओ कितना टाइम तक बैठने का है यहाँ पे? अभी जब तक ये अपना रिजल्ट का आश्वासन नहीं मिल जाता या अपना ज्वाइनिंग का डेट नहीं मिल जाता तब तक अपन हर बार यही बोलते हो। नहीं, पिछले बार आप लोग आए थे जी, पिछले बार मैं आप लोग से बातचीत किया था जी, आप लोग बोले कि भैया जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिलेगी या तो सरकार हमें नियुक्ति दे या तो हमें इच्छा मृत्यु दे। आप नेताजी के घर गए, बातचीत हुई, आश्वासन मिला, चले गए। 15 दिनों का आश्वासन मिला था, वो कंप्लीट हो गया जी। अब आश्वासन के बाद कितना भरोसा है कि आज यदि नेताजी से मुलाकात होती आपकी तो आज आश्वासन नहीं मिलेगा, नियुक्ति मिलेगी, कितना भरोसा है जी? नेताजी को देखिए पूरा भरोसा हमको उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने 4 तारीख को अपन जब आए थे उन्होंने 15 दिन का अपना बोला था, 10 से 15 दिन में प्रोसेस हो जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। 370 लोगों का जो फिजिकल वगैरह होना था सब हो चुका, उसमें 58 लोग पास हुए, तो अपना जो पहले जो जितने 1378 अभ्यर्थी हैं और अभी 58 लोग का बस मर्ज करके रिजल्ट निकालना है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे कोई बात नहीं है। और मंत्री जी ऐसा कोई कुछ अब कोर्ट से भी कोई रुकावट नहीं है कि रिजल्ट रुका हुआ है, तो आज पूरा भरोसा है कि अपन आज तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक अपना डेट पता न चल जाए कि रिजल्ट कब तक आएगा जी। देखिए यहाँ पर जितने अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी SI बनने की जो कहानी है वो अपने बच्चों को ही बताएंगे यदि ज्वाइनिंग हो जाती है तो। भैया SI बनने के लिए जितना मेहनत आप लोगों ने किया होगा उतना ही मेहनत अब लग रहा है कि परिणाम जारी करवाने के लिए करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। परिणाम जारी में एक इंतजार रहता है, वो इंतजार की सीमा पार हो चुकी है। उधर से ले लो, उधर से, इधर कैमरा इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर से लो। हाँ बताइए। पूरी पराकाष्ठा पार कर दी गई है सरकार द्वारा, हमें डेट देकर रिजल्ट न जारी करना ये असंवेदनशीलता दर्शाता है। हम यहाँ धूप में बैठे हैं, पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, कभी भी किसी प्रकार की सहयोग अभी तक नहीं आई है। हमारे साथी 11 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके पास आज तक कोई मिलने नहीं आया है। 11वां दिन है, भूतपूर्व सैनिक है, अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी आप एक कहानी पूछोगे यहाँ पर 400-1400 कहानी मिलेंगी आपको अलग अलग। इतने सारे लोग तो बैठे हैं यार, और जब जब आप लोग आते हो तब भीड़ तो इतनी ही होती होगी, इससे अधिक भीड़ होती होगी। और सरकार मतलब नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं और आप लोग चले जाते हैं आश्वासन लेके। अब नियुक्ति लेके जाएंगे कि आश्वासन लेके जाने वाले? हम दोनों चाहिए हमको, रिजल्ट भी चाहिए और नियुक्ति भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? रिजल्ट भी चाहिए और नियुक्ति भी चाहिए। आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन बहुत चाहिए। देखिए इधर तख्ता है, भाई साहब तख्ता में लिखे हैं, तारीखों के घेरे में हमारा भविष्य अंधेरे में, CGSI रिजल्ट जारी करो। लेकिन जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, सरकार बदलने के बाद में इन जो विद्यार्थियों को, इन अभ्यर्थियों को जो आश्वासन नेताजी दे रहे हैं, जो नई सरकार बनी है वो दे रहे हैं, ये आश्वासन कब तक पूरा होता है? सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम भी देखेंगे यदि आश्वासन पूरा होता है, इनकी इनको रिजल्ट परिणाम जारी करते हैं इनके लिए और परिणाम के साथ नियुक्ति जारी होती है, बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि जब इन्हें वर्दी मिले तो वर्दी के साथ भी हम इनका इंटरव्यू करें। लेकिन सरकार कब नियुक्ति जारी करेगी ये भी संशय बना हुआ है, सरकार कब इस पर निर्णय लेगी सवाल बना हुआ है। जब कभी कोई बड़ी निर्णय होती है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं इस जगह में ठिकाना बना लिए हैं और सीधा कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी जगह बैठे रहेंगे
टेंट डाल देंगे, तंबू डाल देंगे और इस जगह को छोड़ेंगे नहीं।